हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Redmi Note 7 के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास Redmi का Note 7 है और इसमें फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग या तो चार्जिंग टोटली नहीं ले रहा है, जैसे कि इस चार्जिंग कनेक्टर को अगर मैं कनेक्ट करूं, इसमें टोटली चार्जिंग नहीं ले रहा है, अगर आपका ऐसा वाला प्रॉब्लम हो रहा है Redmi Note 7, Note 7 S, Redmi Note 7 Pro, तो आप इसको घर में ठीक कर सकते हो। अगर घर में ठीक हो गया तो 100% कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर स्लो चार्जिंग, फेक चार्जिंग हो रहा होगा तो घर में ठीक हो जाएगा। अगर चार्जिंग टोटली नहीं ले रहा होगा या तो ये पिन जो है टोटली पुश नहीं हो रहा होगा, तो उसका परमानेंट सोल्यूशन मैं बताऊंगा। वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपका इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका घर में बच्चा है और आपका मोबाइल मतलब फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग हो रहा है, तो बच्चा कभी कभी मोबाइल मुंह में ले लेता है, तो उसमें क्या होता है ना, पानी जैसा चल जाता है और मॉइस्चर हो जाता है, तो क्या होता है ना, फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। या तो आपने कहीं बारिश में जा रहे हो, बारिश अचानक हो गया तो इधर पानी लग जाने से, या तो कोई भी कारण के चलते चार्जिंग पिन में जब वाटर डैमेज होता है तो स्लो चार्जिंग, फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको क्या करना है, एक पुराना वाला ब्रश लेना है और उसको, ये जो थिनर है मैं दिखा रहा हूँ, ये है थिनर, थिनर को थोड़ा सा इसको भिगा लेना है, थिनर थोड़ा ऐसे भिगा लेना है ब्रश को, और ज्यादा नहीं भिगा लेना है बस, और इसको अच्छा ऐसे साफ कर देना है। साफ कर दोगे तो आपका फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100% घर में ही ठीक हो जाएगा। अगर थिनर नहीं है तो पेट्रोल यूज कर लेना, ठीक है। ये हो गया फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग। उसके बाद अगर आपका चार्जिंग जैक प्रॉपर पुश नहीं हो रहा है, सोच लो ऐसे थोड़ा सा जाता है और हिलने से निकल जाता है, तो इसके अंदर आपका पॉकेट में जो आप मोबाइल रखते हो ना, डस्ट फर्स्ट घुस के जाम हो चुका है, डस्ट घुस जाता है, फिर आप चार्जिंग लगा देते हो, धीरे 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 अंदर में जाम होके और धीरे धीरे ये जो पिन है पुश नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, उसको क्या करना है ना, एक सिम रिजेक्टर टूल लेना है और इसको चारों तरफ धीरे धीरे करके ऐसे साफ कर देना है। साफ कर दोगे तो क्या होगा, अंदर में जो डस्ट बैठ गया होगा वो निकल जाएगा और आपका चार्जिंग पिन प्रॉपर पुश होना स्टार्ट हो जाएगा। और साफ करने के बाद थोड़ा ऐसे साफ कर लेना तो एकदम प्रॉपर आपका चार्जिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया आपका चार्जिंग जैक नहीं पुश होने के कारण अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपका चार्जिंग टोटली नहीं ले रहा है, तो देखिए अगर आपका चार्जिंग टोटली नहीं ले रहा है तो आप इसका चार्जिंग पिन चेंज मत करना, आप इसका सीसी बोर्ड चेंज कर लेना। मतलब एक बोर्ड आता है जिसमें सभी मदरबोर्ड में लगा, सभी चार्जिंग जैक में लगा रहता है, मैं दिखाता हूं आपको, ऐसा वाला एक सीसी बोर्ड मिलता है, ठीक है, उसमें चार्जिंग जैक, ईयरफोन, माइक सब लगा रहता है, ऐसा 300-400 रुपया में लग जाता है। आप सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हो, सर्विस सेंटर में थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है लेकिन ओरिजिनल मिल जाता है। अगर आप ओरिजिनल चेंज कर लेते हो तो आपका आराम से 1-2 साल निकल जाएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, जैसे कि नेटवर्क का इशू आता है डुप्लीकेट लगाने से, चार्जिंग फिर 2-3 महीने के बाद स्लो चार्जिंग हो जाता है, कभी तो इसको लगाने के बाद भी स्लो चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है, ईयरफोन ठीक से काम नहीं करता है, डुप्लीकेट में ऐसा प्रॉब्लम आता है, लेकिन ओरिजिनल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओरिजिनल लगा लोगे तो आपको 1-2 साल के लिए फिर चार्जिंग जैक का ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना नहीं पड़ेगा, प्रॉपर ठीक हो जाएगा। तो यही चीज है, आप अगर इसको चेंज करोगे तो आपका प्रॉब्लम 100% परफेक्टली सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर आपने जो स्लो चार्जिंग, फेक चार्जिंग के बारे में बताया, अगर ये सब भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है तो इसका अगर चेंज कर लोगे तो आपका सभी प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है? अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शेयर कर दो। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को ऑल में प्रेस कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप जो है लेटेस्ट वीडियो देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।